दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान संगठन दिल्ली की सड़कों पर विगत महीनों से बैठे हुए हैं। स्थानीय स्तर पर भी इन विरोधों को समर्थन मिल रहा है। बनखेड़ी में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी धरना दे रहे हैं। शुक्रवार को भी किसानों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के 22वें दिन किसानों ने मौन रहकर नगर के बीचों बीच से रैली निकाली। साथ ही धरना स्थल पर पहुंच कर किसान नेताओं ने उपस्थित किसानों को संबोधित किया। धरना स्थल पर नौजवान किसान नेता किसानों को संबोधित करते हुए देखे गए। 20,000 रुपए तो ना आपका ना काउंटर केस बन रहा और ना कुछ बन रहा है, ऐसे हमारे कानून चलते हैं। ये हमारे देश की व्यवस्था है जो मतलब बहुत गंभीर तौर पे ऐसा ही चलती है। और कानूनों का क्या है, कानून में तो हम लोग और आप लोग इतने कम है नॉलेज के कि हम केवल ये जानते हैं कि संविधान इतना मोटा है, लेकिन हमने अपराध किया है। ये अपराध में जब हमारे थाने में कोई पुलिस वाला एक बार कलम चला देता है ना, कलम चलने के बाद हमें मालूम चलता है कि इस तरह की धारा है, और फिर हम कोशिश ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये धारा किस लिए है, तो हम उसके समाधान से निकल जाए, तो ऐसा करके ये मतलब उसका सॉल्यूशन करें। नहीं तो कलम का तो क्या है, एक धारा हटाने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं। तो मैं कहना भी ये चाहता हूँ कि कृषि कानून बहुत टिपिकल नहीं है, मतलब कठिन नहीं है, और कृषि कानून को समझना और वो होना नहीं होना मायने नहीं रखता, लेकिन इसमें ये छोटी छोटी बातें अगर सम्मिलित नहीं होती और हम नहीं समझते और जागरूक नहीं होते, तो ये आने वाले समय में देश के अंदर जो मतलब अपना 140 करोड़ की लगभग जो जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति को तो असामाजिक तत्व है या अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।